नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है मध्य प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षक पद पर नियुक्त आशा मैडम। तो फ्रेंड्स, मैडम जो है अभी बड़ा अच्छे से आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि अभी जो नई वाली जो अभी भर्ती आने वाली है हाल ही में, जिसका सरकार ने उसका प्रपोजल दिया, एडवर्टाइजमेंट आता रहता है ना मैडम उसका? जी बिल्कुल आते रहता है। तो मैडम, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आप कहाँ से हैं? मैं महिला आरक्षक आशा बर्वे, बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे फादर का जॉब है यहाँ इंदौर में, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर तैयारी की। इंदौर में रह के MSc किया है मैंने, उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू की। मैं PSC की तैयारी कर रही थी, PSC की तैयारी करते करते मैंने साथ में कांस्टेबल का भी फॉर्म भर दिया था, और तैयारी करते करते उस टाइम ये हो भी गया। आप कौन सी बैच से मैडम आप निकले? मैं 2017-18 की बैच की हूँ। लेटेस्ट ही है ना मैडम, सब तैयारी एकदम फ्रेश है आपकी तो। हाँ बिल्कुल। और क्या, तो मैडम आप ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कैसे कूदे आप, जैसे अपने कॉलेज वॉलेज करने के बाद में आप? बस अब बहुत हुआ, पढ़ाई तो करते करते सब पढ़ाई चल ही रही थी, बाकी मैंने दोस्तों को देखा कि वो सब तैयारी कर रहे हैं तो मैंने भी तैयारी शुरू कर दी। हाँ, बचपन से ये था कि हाँ इसी फील्ड में जाना है, फादर हैं CISF में, तो उनको देख के ये लगता था कि नहीं अब मुझे आ जाना चाहिए इधर, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी कि सेल्फ स्टडी करी थी? मैंने साल भर कोचिंग ज्वाइन किया था। साल भर कोचिंग ज्वाइन करने से 3 एग्जाम निकले भी, और बाद में मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ते थे मैडम आप एक दिन में? घंटे का तो कोई काउंट नहीं है, जब समय मिलता था तब पढ़ लेते थे। ऐसा 8-10 घंटे तो पढ़ा होगा? नहीं, इतना ज़्यादा सीरियस होके नहीं पढ़ाई किया है। अरे नहीं, आपने जिस टाइम करी मैंने भी उसी टाइम का ही हूँ मैं भी, और वास्तव में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, तो आपको बताने में तो आपने टाइम कभी काउंट नहीं किया होगा मेरे को जहाँ तक ये लगता है। हाँ, तो आप इंटेलिजेंट होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, बस ये था कि शाम को कुछ समय दे दिया करते थे 4-5 घंटे, और सुबह 4-5 घंटे, बस ऐसे हो गए 10 घंटे के आसपास। सही बात है। तो मैडम आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़ी थी मैडम और कांस्टेबल की एग्जाम के लिए? बेसिकली किसी भी कोचिंग पे जाइए या फिर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट की बुक सबसे अच्छी है, मुझे भी यही गाइड किया गया, मैंने लूसेंट की बुक ली, और स्पीडी है मेरे पास, और मैथ्स की भी बुक, मैथ्स और रीजनिंग की बुक भी स्पीडी की ही मैंने यूज़ की है। अच्छा, और मैथ्स अपने मैथ्स की स्पीडी और कुछ मैडम और भी किया होगा आपने? ज़्यादा खास नहीं, कोचिंग में जो पढ़ाते थे थोड़े बहुत उसी से, मैथ्स बचपन से ही मेरा ठीक ठाक था, और मेरा सब्जेक्ट भी मैथ्स है, MSc मैथ्स से किया था मैंने। हाँ आप तो MSc वाले हो तो फिर क्या दिक्कत। और क्या, और उसके बाद में मैडम आपने रनिंग कैसे निकाली, आपने रनिंग और शॉटपुट इनका बताइए मैडम। रनिंग के लिए जैसे एग्ज़ाम निकल चुका था, उसके बाद मैंने सुना काफ़ी OP सर के बारे में, तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था। ग्रुप ज्वाइन करने से ये पता चलता है कि आपके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, आप किस तरीके से रनिंग करते हैं, क्योंकि हम दूसरों की रनिंग तो हमेशा नोटिस करते हैं, कभी खुद की नोटिस कभी नहीं करते हैं। खुद की नोटिस जब ऑब्जर्व होती है, जब आपके साथ आपका कॉम्पिटिटर दौड़ता है, आप खुद को जज करेंगे कि मेरी रनिंग में क्या गलती है और सामने वाला कैसी रनिंग करता है। और हमेशा हम माइंड में ये सीट रहता है कि हम दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग दौड़ना है, समय देखते हैं पर ये नहीं देखते कि कैसे दौड़ना है। अगर आपके सामने 400 का ग्राउंड है तो 400 के ग्राउंड में आपको निकालना है टाइम, तो उस टाइम को उठाने के लिए ये है, स्टार्टिंग जैसे रनिंग करते हैं आप 100 उठा लीजिए, 100 थोड़ा स्पीड में, देन आप पेस में दौड़ना स्टार्ट कीजिए, पेस में जैसे दौड़ते हैं, पेस में दौड़ते दौड़ते आपको 400-600 तक आपको पेस में ही दौड़ना है, 600-700 के बाद आप के पास एक टारगेट बचा, बस अब मुझे वो टारगेट फिनिश करना है, इसके लिए आपको 100 की स्पीड में वो टारगेट फिनिश करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा, जो लड़कियों का टाइम रहता है 40 मिनट का, वो टाइम कब आपका 20-30 में निकल जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। सही है मैडम। तो आपने कितनी एग्ज़ाम के बाद में तैयारी करी थी, कि एग्ज़ाम के साथ जब आप रिटर्न की तैयारी करते थे उसके साथ ही आपने निकाल लिया? स्पोर्ट्स में काफ़ी पहले से इंटरेस्ट हूँ, और ये थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में होने की वजह से ग्राउंड पहले से ही जाती आती रहती थी, कबड्डी और खो खो का शौक था, तो खेलना और रनिंग तो पहले से ही था, इसीलिए एग्ज़ाम निकलने के बाद से रनिंग स्टार्ट किया था, मतलब एग्ज़ाम के पर्पज से। सही, आपकी पहले से ही रनिंग में भी आपके पहले से ही पकड़ थी मैडम? पकड़ थी पहले से। अच्छी बात है यार मैडम ये तो। और इसमें इंटरव्यू तो था नहीं मैडम? इंटरव्यू नहीं था। गोला फेंक का बताइए मैडम, गोला फेंक और लॉन्ग जंप का? शॉर्ट पुट के लिए लड़कियों के लिए मैं यही बोलूँगी, जब भी आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के लिए आप थोड़ी बहुत हाथों के एक्सरसाइज करने के बाद ही शॉर्ट पुट के लिए तैयारी कीजिए। बस लड़कियों को एक चीज़ बोल दो कि सामने टारगेट है
और वो हिट करना है। शॉर्ट पुट के लिए दो तीन तरीके हैं। एक आप खड़े होके फेंक सकते हैं, स्टेप लेके फेंक सकते हैं। आप जब भी फेंकें तो माइंड में ये बात सेट रखिए कि हाँ सामने एक टारगेट है और टारगेट हिट करना है, इजीली आप फेंक सकते हैं। और रनिंग अच्छी है तो लॉन्ग जंप तो हो ही जाता है। लॉन्ग जंप तो किसी का नहीं रुकता होगा मैडम। नहीं रुकता है, रनिंग अच्छी होने के बावजूद भी लॉन्ग जंप रुकता है। और लॉन्ग जंप रुकने का कारण यह है कि आपको स्टेप उठाना कहाँ से है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो लॉन्ग जंप के लिए, स्टार्टिंग दो चार स्टेप लंबे लीजिए, लंबे लेने के बाद 300 स्पीड में दौड़िए। 300 स्पीड में दौड़ने के बाद जो आपको जहाँ से उठाना है वहाँ से उठ जाइए। उसके बाद आप पता भी नहीं चलेगा आपको 10 के जगह आप 13 कब क्रॉस कर जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। लड़कियों के 10 फीट होता है, 10 फीट होता है, 10 फीट रहता है लड़कियों का। जैसे तो हम बोले में बहुत ज्यादा लगता है, पर कुछ जाती होंगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं पता चलता। जब लड़कों के लिए 13 रहता है, लड़कियां कितनी अच्छी रहती हैं। ये रनिंग और जो एक माइंड सेट रहता है तो 13 क्रॉस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लड़कियों को भी। सही है। और मैडम फिर ट्रेनिंग का अनुभव बताइए आप, खासकर जो लड़कियों के लिए, लड़की के पर्सपेक्टिव से सारा बताइए आपकी। लड़कियों के हिसाब से मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर पहले CISF में है तो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, बेटा ये जो ट्रेनिंग का टाइम होता है लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है। मैं उज्जैन में पोस्टेड हूँ और मेरी ट्रेनिंग भी उज्जैन में ही हुई है, तो मैंने हर एक पल इंजॉय किया है ट्रेनिंग पे, चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे क्लास हो। क्लास में कुछ भी चीज़ टफ नहीं रहता, लाइफ का सबसे एकदम बेस्ट टाइम रहता है। आप बहुत खुश लगते हो मैडम, अपनी खुशी का राज बताओ इस जॉब में। मैडम मुझे पुलिस की जॉब में बहुत कम लोग ही खुश मिले हैं, पहले तो आप ये बताओ। देखिए ऐसा है, हर काम या तो रो के करो या तो खुश होके करो। रोने में नुकसान है और खुश होने में फायदा है, आपकी वजह से और 4 लोग खुश होंगे। सही है, नौकरी करने में भी फिर मजे आती है। मैं हर पल हर चीज इंजॉय करना पसंद करती हूँ, चाहे वो पनिशमेंट हो चाहे काम हो। काम में भी अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको वो काम मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि आप वो गेम खेल रहे हैं। सही बात है मैडम, सही बात है। कितने साल की हुई थी ट्रेनिंग आपकी? 9 महीने की ट्रेनिंग थी, 9 मंथ कंप्लीट हुए। स्टार्टिंग के 6 मंथ थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा टफ होगा, जब शुरुआत के दिन थे। जब हम गए ट्रेनिंग पे, घर से बाहर निकल के किसी नए जगह में आना ऐसा लगा। पर जब भी मेरे फादर का फ़ोन आता, फादर हमेशा मोटिवेट करते मुझे, बेटा ट्रेनिंग इंजॉय करो, कुछ भी हो बहुत मज़े करो। तो वो एक शब्द बस ये सुन के सुबह 5 बजे उठ के रनिंग स्टार्ट करने में भी एक अलग ही मज़ा। लड़कियों की टोली में साथ में दौड़ना, हर चीज़, उसके बाद क्लास जाना, नाश्ते के लिए भागते हुए लाइन लगाना, फटाफट तैयार होना, एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना ट्रेनिंग के टाइम, मैंने वो सीखा। सही बात है, ट्रेनिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा बताते हैं। खाना कैसा मिलता है मैडम? खाने से याद आया मेरे को, आपने बोला नाश्ते से। मुझे नहीं पता अदर PTS में कैसा है, पर उज्जैन PTS का खाना और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। हमारे टाइम जो SP मैडम जो थी, हम लड़कियों का पहला ही बैच था PTS में, ऐसा ट्रीट करती थी जैसे हम उनके खुद की बच्चियाँ हों, और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था। अच्छा ऐसा, तो कोई घुमाने वाने ले आते ट्रेनिंग में बाहर का, ऐसे आउटडोर में कि विद इन द कॉलेज ही होता है आपका? नहीं विद इन कॉलेज नहीं होता है। हर सैटरडे ऐसा है कि आपको रनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। रनिंग के लिए आप बाहर जाते हो, वो टाइम एक बहुत अच्छा टाइम रहता है। और हर संडे आपको आउट पास मिलता है, आउट पास के 5 घंटे आप इतना इंजॉय करो। मुझे तो इतना अच्छा लगता था कि मैं बस सामान उठाओ और घर पहुंच जाओ। मैं इंदौर में मेरा घर और उज्जैन में ट्रेनिंग, हर संडे मैं घर पहुंच जाऊँ, घर वालों को बता दो ये सामान चाहिए, घर वालों से मिल के और ट्रेनिंग सेंटर भी टाइम से पहुंच जाओ। सही है, पास ही है मैडम इंदौर उज्जैन तो। जी ट्रेनिंग का अनुभव तो मैडम आपका बड़ा जोरदार रहा मैडम, घूमे फिरे। मैं हर चीज़ इंजॉय किया, कभी भी ये लोड नहीं लिया कि नहीं ये क्यों हो रहा है अब मुझसे, ये नहीं होगा। नहीं मैंने हमेशा ये सोचा कि क्यों नहीं होगा मुझसे, मैं तो कर सकती हूँ, और मैंने वो चीज़ हंसते और इन्जॉय करते हुए किया। सही है मैडम। मैडम ये महिला मतलब आरक्षक की जो जॉब है, इसे महिला पर्सपेक्टिव से आप बताइए, जो अभी जो लड़कियाँ हैं जो खासकर जो तैयारी करेंगी और जो क्या क्या आपने फेस किया है वो बताइए मैडम, जॉब प्रोफाइल वुमेन एंगल के हिसाब से। वुमेन एंगल के हिसाब से अक्सर जैसे लड़कियाँ भर्ती हो के आ जाती हैं, थाने पर पहुँच जाती हैं, कुछ लड़कियाँ लाइन में रहती हैं, साथ वालों का सोचना ये रहता है
कि लड़कियां भर्ती तो हो गई हैं पर लड़कों के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। मेरा मानना है कि लड़कों के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी लड़कियां कंपेयर करें तो कम नहीं है। हर फील्ड हर जगह लड़के बहुत अच्छा इवन लड़कों से बहुत अच्छा करती हैं, चाहे कोई से भी ड्यूटी हो। पिछले लॉकडाउन के दौरान मेरा अनुभव मैं बताती हूँ, जब लॉकडाउन में इतनी सख्ती होने के बावजूद लोग बाहर निकलते थे, मैंने उनको रोका और रोकने के बाद कुछ महिलाएं थीं, जब लड़के ड्यूटी में होते हैं तो लड़कियों को नहीं रोक पाते हैं, महिलाओं को नहीं रोक पाते, मैंने रोका और उनको पनिश किया। नया अनुभव लिया, काम करेंगे तभी कुछ नया होगा, पनिशमेंट भी उसी मिलती है जो कुछ करने की कोशिश करता है। तो ये है, और जैसे जैसे हम आते हैं हमारी पोस्टिंग होती है, हम थाने पे पहुंचते हैं, हर चीज़ को अगर आप काम में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको अच्छा माना जाएगा, अगर आप हर चीज़ से जी चुराएंगे उस चीज़ से भागेंगे तो वो ठीक नहीं है। मैंने कई लड़कियों को देखा भी है वो काम से भागती भी है, और कई लड़कियों को देखा है जो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हर काम करने में आगे रहती हैं। तो आप मतलब दबंग पुलिस वाली हो मैडम? मुझे लगता है अगर आप इस फील्ड में आए हो तो लड़कियों को तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, दबंगई से काम करना चाहिए, इसमें क्या बुर रही है। सही है वर्दी, इसीलिए तो मैडम। हाँ नहीं, पर मैं नहीं चाहूँगी कि इसका कोई गलत फ़ायदा उठाए, पर हाँ खुद पे अगर है तो बिल्कुल करें। सही है मैम। अब देखिए क्या है कि अपन काम करते हैं तो मिस्टेक्स तो निकलती है, हाँ। तो उन गलतियाँ निकालते हैं, और पुलिस की छवि जो रहती है लोग पहले बिगाड़ने पे तुले हुए रहते हैं। मैंने तो ये चीज़ देखी है, अच्छी चीज़ रहेगी वो नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आपने किसी को पनिश किया, जैसे भी आपने बताया कोरोना के कारण, अब ठीक है भैया लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो पनिशमेंट मिलना ही है। तो मैडम यही था कि अब देखिए पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी लोगों को, इनफैक्ट खुद भी मेरी भी जब ड्यूटी लगी है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोकना, चालान काटना, ये सब माथा फोड़ी तो हर कोई करता है, ये बात तो है इसमें, और ब्लेम हमेशा मैंने देखा है पुलिस पे ही उठता है। हाँ, चाहे पुलिस सही हो या गलत हो, ब्लेम पुलिस पर ही आता है। हाँ, ये मैंने एक चीज देखी है, पर लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, मैं खुद भी जब इंस्पेक्शन पे जाता हूँ, रेड पे जाता हूँ, तो आप लोगों को ही मेरी सुरक्षा के लिए ले जाते हो, नहीं तो मेरे को ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग पत्थर फेंकने लग जाए, किसी भी टाइप की कोई भी कार्रवाई हो जो हमारे विभागीय रहती है, मेरी तरफ से तो सैल्यूट मैडम आपको। थैंक यू सो मच सर। अरे वो बस क्वेश्चन करते करते चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो, बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है, टेस्ट बुक है हर उस एग्जाम में अपना साथी। 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू testbook.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तो मैडम आप फाइनल मैम स्टूडेंट्स को आपको टिप्स दीजिए कि किस टाइप से तैयारी करें स्टूडेंट्स, और अभी जो एग्जाम जो आने वाली है उसमें जो फ्रस्ट्रेट हुए बच्चे हैं वापस से फटाफट पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि कभी भी आ सकती है वैकेंसी। बिल्कुल बिल्कुल, वैकेंसी आ चुकी है, आएगी नहीं, फॉर्म भरा चुके हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और एक कोरोना की वजह से एग्जाम आगे पोस्टपोन होते गए हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग एकदम जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना तो पड़ेगा। इसीलिए कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि आप अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे, ये बहुत गलत है। और तैयारी करने वाले बच्चे पूरी तैयारी से कीजिए, जैसे आप हाइट देख लीजिए कि आप उस हाइट को क्रॉस करते हैं या नहीं जो चाहिए। अगर आप पहले ही नहीं देखेंगे कि मुझे वो जो हाइट चाहिए, लड़कियों को मैंने कई बार देखा है तैयारी पूरी कर लेती हैं, फिजिकल भी निकाल लेती हैं, और जब वो हाइट देखा जाता है और वो हाइट से बाहर हो जाती हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी आप लापरवाही मत बदल दिए, आप पूरी तैयारी कीजिए, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। तैयारी के साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि फिजिकल की तैयारी आप ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम एक घंटा जरूर दीजिए, बस कम से कम कुछ नहीं तो हाँ, हल्की मतलब आपकी बॉडी को उस चीज की आदत हो जानी चाहिए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चीज की तो क्या मैडम कोई गारंटी नहीं है कि रनिंग क्या क्या बोलते हैं रिजल्ट के बाद में, जब रिटर्न के रिजल्ट के बाद में कि 2 महीने का टाइम ले कि 4 महीने का टाइम ले, और हाँ, क्योंकि वो बहुत कम समय रहता है और आप उस चीज के आदि नहीं होते हो और एकदम से तैयारी करते हो, फिर आपके पैर में इंजुरी हो जाएगा, आपको सीन पेन होने लग जाएगा, आप रनिंग करते वक्त हाँफने लग जाओ, तो उसको अभी से अपने लेबल में ढालने के लिए शरीर को बना के रखिए अभी से। सही बात है। तो मैडम वास्तव में आपका इंटरव्यू मुझे बड़ा जोरदार लगा, अच्छे से एक सबसे मैं आपको फ्रेंड्स एक ही चीज बताऊं कि मैडम बड़े खुश मिजाज है, ये कभी भी उज्जैन में आप मिलोगे ना उनको सबसे पहले तो कुछ बोलेंगे नहीं, सबसे पहले हंसेंगे मैडम। देखिए हंसी का एक रीजन है, आप तो हंसेंगे और आपको खुश देख के सामने वाला भी खुश होगा, और दो चार अपनी वजह से सामने वालों को पॉजिटिविटी मिलती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सही बात है मैडम, तो आपकी वजह से आपका तो पूरा थाना खुश रहता होगा। बिल्कुल। और क्या, तो चलिए मैडम सी ऑफ कर देता हूँ मैं। ओके।
तो फ्रेंड्स मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और खास करके आप लोगों को मोटिवेट किया। आप लोगों को तो क्या मुझे भी मोटिवेट हुआ कि यार कभी ना कभी लाइफ में चीजें चलती रहती है। एक चीज सबसे अच्छी लगी, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी लगी मैडम मुझे आपका ये बात। ये तो ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।